अलग है ना, नया चैप्टर। ये नया चैप्टर है बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये हमारा सेकंड चैप्टर है अपना, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम। वैसे अगर हम कह दें कि हम इसको भी लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जो हम एंडोक्राइन सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, वो इसमें आता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, है ना, तो वो भी एक तरीके से हम लाइफ प्रोसेसेस में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, वैसे अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है अपने बायोलॉजी का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, दो सिस्टम पढ़ने वाले हैं इसमें हम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम पता चल गया कि नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, ब्रेन जो है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हार्मोन्स पढ़ेंगे, ग्लैंड्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं, एंड उनका सिक्रीशन पढ़ेंगे कि वो कितने हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, है ना, और उनका फंक्शन क्या होता है, हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। चलो भाई, तो व्हाट डू वी मीन बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भाई मतलब क्या है, इट मींस वर्किंग ऑफ अ बॉडी इन अ सिस्टमैटिक मैनर। हमारी जो बॉडी है, हमारे अंदर जो सिस्टम्स हैं, वो क्या करें, एक प्रॉपर वे में काम करें, ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में काम करें। ऐसा तो नहीं होता कभी भी कुछ भी हो जाए कि कभी भी हमारा हार्ट 60 बीट्स पर मिनट चले, कभी हमारा 100 चल जाए, आज उसका मन किया तो उसको 20 चल जाए, ऐसा होता है क्या, नहीं, ठीक है। एक प्रॉपर हमको सिस्टम जो होता है उसको प्रॉपर रेगुलेट करना पड़ता है हमको, ठीक है, एक तो मैनर में, प्रॉपर मैनर में, तो वो हमारा जिसकी वजह से होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द होल बॉडी सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड एंड वर्क लाइक अ टीम, ठीक है, हमारे अंदर जितने भी सिस्टम्स होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक मिलकर काम करते हैं। एज यू ऑल नो डेट सपोज यू ईट फूड देन आर स्टोमक शुड बी प्रिपेयर्ड विद गैस्ट्रिक जूस टू डाइजेस्ट इट। लाइकवाइज देर आर मैनी प्रोसेस दैट आर अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ठीक है। जैसे बहुत सारे फैक्ट होते हैं ना, जैसे हमारे सामने फूड आया तो सलाइवा का सिक्रीशन होना है, ठीक है, फूड आया तो सलाइवा का सिक्रीशन होना है फॉर लुब्रिकेशन, और सलाइवा प्रोवाइड्स एंजाइम्स, लाइसोजाइम, है ना, तो इसके लिए क्या होना है कि माउथ जो है अपने आप को रेडी कर रहा है फूड के लिए, ठीक है, जैसे ही फूड सामने आया। अब जैसे ही फूड जो है हमारे माउथ में गया, अब क्या होगा, स्टमक अपने आप को तैयार करता है किस लिए, डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो एक सिस्टमैटिक वे में हो रहा है पूरा, हमारा सारा पूरा कोऑर्डिनेट होके चल रहा है, जितने भी सिस्टम्स हैं क्या कोऑर्डिनेट होके चल रहे हैं, है ना। हमें एक मूवमेंट चाहिए, हमें पता है कि हाँ भाई इस फिगर से इसको ट्रांसफर होना है फूड को, तो मसल्स में कैसा चाहिए, इस फिगर्स की मसल्स में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चाहिए, जिससे इजिली जो फूड है वो कहाँ से आ पाए, माउथ से हमारा स्टमक में आ पाए, मतलब कितना हमारा सिस्टमैटिक वे में काम होता है, ठीक। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है हमारे अंदर दो सिस्टम की वजह से होता है, एक नर्वस सिस्टम और एक हार्मोनल सिस्टम, ठीक है। तो हार्मोनल सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। तो दो सिस्टम की वजह से हमारे अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब जितने भी जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सबको कंट्रोल में रखने के लिए, मस्कुलर सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, इन सबको कंट्रोल में रखने के लिए हमारे जो दो सिस्टम्स होते हैं वो क्या करके मिलजुल के काम करते हैं, जिससे क्या हो, हमारी बॉडी एक प्रॉपर वे में काम कर पाए, एक सिस्टमेटिक वे में काम कर पाए, ठीक है। कि ऐसा नहीं हो कि आज हम रेस्पायरेशन कर रहे हैं 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, कल हम करने लगे 20 टाइम्स पर मिनट, बिना बात का, मतलब कर सकते हैं लेकिन एक चेंजेस होना चाहिए अपनी लाइफ स्टाइल में, है ना, कि हम भाग रहे हैं तो ठीक है हमारी जो बीट्स पर मिनट है तेज हो सकती है ना, ज्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम आज बैठे हैं तो 12 है, कल भी बैठे ही हैं तो हमारी 20 है, ठीक है, कि कभी भी कुछ भी मन हुआ कुछ भी हो रहा है, तो ऐसा
नहीं होगा, नहीं इसी के होगा, लिए कंट्रोल एंड है ना? कोऑर्डिनेशन इसी होगा के लिए मैम। आपके पास दो सिस्टम होते हैं। हाँ बेटा, गैस्ट्रिक मैं अपना मैम गैस्ट्रिक जूस कहाँ बनता? जूस अपना स्टमक में रिलीज होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में। फर्स्ट चैप्टर मतलब जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस में, उसमें पढ़ा था ना गैस्ट्रिक जूस हमारा कहाँ स्टमक में यस रिलीज मैम। होता था। ठीक है। हाँ मैम बेटा। जो सलाइवा आता है अपने मुंह से, तो हाँ, मैम उसका कोई काम रहता है क्या? मैम वो काम नहीं रहता। तुम लोगों ने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा नहीं क्या? है मैम उस पढ़ा मैम लार अपना खाना पचाने में काम करती। यस मैम, वो कार्बो मैम 30% डाइजेशन होता है मैम उसमें यस कार्बोहाइड्रेट। मैम। हाँ, फिर तुम लोग ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? और मैम वो नहीं मैम, सिर्फ मेरा मतलब कि वो भी डाइजेशन में ही काम लुब्रिकेंट। करता है, उसको कोई आप ऐसा थर्टी स्पेशल परसेंट काम। देखो सलाइवा के, देखो सबसे पहला काम तो सलाइवा जो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन करती है। यस मैम। सेकंड काम क्या करती है उसमें, लाइसोजाइम होता है जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उनको किल करती है। ठीक ओके है, ये लुब्रिकेटिंग काम हो गया, लुब्रिकेशन का काम हो गया है ना, और फूड को क्या यस मैम। रैप अप करती है बोलस के फॉर्म में, जिससे वो इजिली क्या हो हमारी ईसोफेगस के थ्रू वो ट्रांसफर हो जाए। सलाइवा का बहुत सारा काम होता है भाई, तभी तो अगर तुमने देखा होगा कि तुम्हारे सामने खाना आता है और सलाइवेशन सिक्रीट हो जाता है। और यस बहुत मैम। बार ऐसा भी होता है कि तुम सोच ही लो अपने फेवरेट फूड के बारे में और सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है, हो यस जाता है ना? क्यों? क्योंकि मैम मुंह में ब्रीदिंग आ पानी गया आ भाई, है जाता। ना? तो आपके क्या, आपका रेडी होने लगता है, आपका जो सिस्टम है आपको रेडी करने लगता है कि आप अगर सोच रहे हो मतलब आप खाओगे अब, है ना? तो अगर नहीं मिलता है तो कुछ टाइम बाद वो सिक्रीशन बंद हो जाता है। होता है कि नहीं? ठीक हो जाता है है, तो यस ये मैम, हो सारा जाता है। हमारा कौन कोऑर्डिनेट करता है, कैसे होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है भाई, और कुछ? नो मैम, मैम ठीक है। जो मैं वही पूछ रही थी कि उसका स्पेसिफिक, ये तो पता था कि डाइजेशन में होता है, लुब्रिकेंट होता है, कर देता है वो। ठीक है ना? तो अब हम स्टार्ट करते हैं, नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ नर्व्स एंड अ स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज न्यूरॉन्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना? तो हमने सेल पढ़ी हुई है कि नर्वस सिस्टम में जो सेल होती है हमारी मेन इंपॉर्टेंट सेल होती है, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। जो हमने अपने टिश्यू चैप्टर जब पढ़ा हुआ था 9th में, तब हमने ये बताया था कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है ना, न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सारा कुछ बताया था। तो न्यूरॉन जो होती है हमारे नर्वस सिस्टम की एक सेल होती है, मतलब नर्वस सिस्टम में और भी सेल्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ न्यूरॉन ही होती है। ठीक, और इसे भी नर्व सेल भी कह सकते हैं ना। नर्व सेल भी कह सकते हैं इसे। और ये कैसी होती है? लार्जेस्ट सेल ऑफ आर बॉडी होती है ना, अपने लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आर बॉडी होती है। ठीक, तो अगर हम न्यूरॉन को बेसिकली डिवाइड करना चाहें तो हम न्यूरॉन को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्सॉन, दूसरा डेंड्राइट एंड द थर्ड वन इज सेल बॉडी और साइटॉन। ठीक है, तो एक्सॉन क्या है भाई, डेंड्राइट क्या है भाई, और साइटॉन क्या है? तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेंड्राइट से। क्यों? क्योंकि हमारा जो न्यूरॉन की स्टार्टिंग होती है वो डेंड्राइट से ही स्टार्टिंग होती है। ठीक है, न्यूरॉन की जो स्टार्टिंग होती है कहाँ से? डेंड्राइट से। तो ये तुमको ब्रांचेस दिख रही हैं, है ना? ये ब्रांचेस दिख रही हैं, तो ये कुछ नहीं है, क्या है? डेंड्राइट्स हैं। ये जो स्टार्टिंग में ब्रांचेस दिख रही हैं क्या है? डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, फिर डेंड्राइट्स के बाद में देखो, ये जो सारी डेंड्राइट्स एक जगह ओपन हो रही हैं, एक जगह जुड़ी हुई हैं, है ना? इस वाले एरिया में जुड़ी हुई है ये सारी डेंड्राइट्स। ठीक है, तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं भाई? सेल बॉडी या साइटोन बोलते हैं, जिसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये जो ग्रीन कलर का बना हुआ है ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है ना, सेल है तो न्यूक्लियस तो होना बनता है। यस मैम। ठीक है, अच्छा बताओ अपनी बॉडी में ऐसी कौन सी सेल होती है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है? ऐसी कौन सी सेल होती है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है? मैम वो अभी आपने बताया था, वो पीप कुछ ऐसा नाम था उसका।
कोई और बताएगा ऐसी अपनी बॉडी में कौन सी सेल होती है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है? ये हम कर चुके हैं भाई, बताएं। अच्छा कितनी देर में याद आएगा फिर? आरबीसी, हमने अपनी बॉडी बोला ना, आरबीसी भूल गए, सर्कुलेटरी सिस्टम में बोला था आरबीसी के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होती है। मैं सोच ही रहा था, मैंने सोचा गलत ना हो जाए। तो गलत हो जाए तो हम तुम्हें पीटने आ रहे हैं क्या? नो, डांटते हैं क्या? नहीं मैम। फिर हो जाता तो हो जाता, हम सही बता देते, लेकिन जो मन में आया वो तो बताओ पहले। ठीक है भाई, है ना। अभी क्या करते हैं हम कि ये हमारा सेल बॉडी हो जाता है या साइटॉन, जिसके पास ये जो ग्रीन कलर का हमको दिख रहा है न्यूक्लियस, ठीक है। फिर न्यूक्लियस का कंटिन्यूएशन देखो, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, कि इस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो हमारा साइटोन का कंटिन्यूएशन है, ये जो बिल्कुल एक फाइबर जैसा हमको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? एक्सॉन। एक्सॉन है, लेकिन एक्सॉन में देखो अगर कि बीच बीच में क्या आ रहा है, ये येलो येलो कलर के ये कवरिंग है एक्सॉन के ऊपर, ठीक है। अगर साइटोन की हमारी फाइबर एक कंटिन्यूएशन आ रहा है तो ये फाइबर तो ऐसा होगा भाई, पर्पल कलर का जो इसमें दे रखा है, लेकिन अगर तुम इसके ऊपर देखो तो ये येलो कलर के तुमको कवरिंग दिखाई दे रहे हैं। तो ये कवरिंग क्या होती है? माइलिन शीथ होती है, मतलब इसके ऊपर क्या हो जाती है? एक शीथ कवर हो जाती है, माइलिन शीथ, है ना। एक लेयर होती है जो बार 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 इसके चारों साइड फोल्ड होती जाती है, होती जाती होती जाती है, और एक ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती है, और इस शीथ को क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। और वो जगह, जैसे ये हमारी माइलिन शीथ हो गई, ये माइलिन शीथ हो गई, ये हो गई, लेकिन देखो दो माइलिन शीथ के बीच में ऐसी जगह दिख रही है ना जहां एक्सॉन अकेला है, कोई माइलिन शीथ नहीं है, है ना। ये वाली जगह जहां अकेला एक्सॉन है, yes, yes, इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। तो भाई जो इसके चारों तरफ एक्सॉन के चारों तरफ जो लेयर अरेंज हो जाती है उसको माइलिन शीथ बोलते हैं। और ऐसी सेल जो माइलिन शीथ सिक्रीट करती है, ऐसी सेल जो माइलिन शीथ सिक्रीट करती है, हम उसको क्या बोलते हैं? स्वान सेल बोलते हैं। ये जो देखो व्हाइट कलर से हम बना रहे हैं स्वान सेल, और ये डायग्राम में जो ये ऑरेंज कलर से दे रखी है, ठीक है, ये क्या है? हमारी स्वान सेल है। यही स्वान सेल जो होती है वो माइलिन शीथ को सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से वो चारों तरफ क्या हो जाती है? एक्सॉन के रैप अप हो जाती है। और दो अपने ये माइलिन शीथ के यहाँ बीच में जहां पर माइलिन शीथ नहीं होती है, वहां एक्सॉन अकेला होता है, उस जगह को हम नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो जब हमारा एक्सॉन लास्ट पार्ट होता है एक्सॉन का, तो इस लास्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। ये जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है हमारा एक्सॉन का, जो लास्ट पार्ट होता है, हम उसको एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं भाई। आया सब? यस मैम। ठीक है भाई, अब एक बार रीड कर लेते हैं। द इरेगुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ सेल बॉडी दैट एनक्लोजेस अ न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियोप्लास्ट। मतलब जो हमारी जनरल सेल होती है, तो हम उसके जो उसमें मैट्रिक्स होता है, हम उसको साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। अब जब हमारी ये नर्वस सेल है, या हम बोल दें नर्व सेल है या न्यूरोन है ना, तो इसमें इसका जो साइटोप्लाज्म होगा, हम उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लास्ट बोलते हैं, है ना। न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूरोप्लास्ट जो होता है वो बोलते हैं। फ्रॉम सेल बॉडी स्मॉल ब्रांचेस अराइजेस कॉल्ड एज डेंड्राइट, है ना। सेल बॉडी से देखो ये जो ब्रांचेस, छोटी छोटी सी ब्रांचेस अराइज हो रही है, इनको हम डेंड्राइट बोलते हैं, है ना। और अगर टेक्निकली देखें अगर अपन, कि यही हमारी क्या होती है? स्टार्टिंग होती है न्यूरॉन्स की। ऑन द लोअर साइड इट गिव्स आउट ओनली वन ब्रांच, ठीक है। यहाँ से क्या, ऊपर तो साइटोन से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही है, लेकिन नीचे से सिर्फ एक ही ब्रांच निकल रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं, जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं, ठीक। एक्सॉन एंड्स इनटू द नर्व एंडिंग,
ठीक है, एक्सॉन क्या होती है, हमारी नर्व सेल की एंडिंग होती है. फंक्शन ऑफ द डेंड्राइट इज टू रिसीव इम्पल्स. फंक्शन डेंड्राइट का क्या होता है, इम्पल्स रिसीव करना. इम्पल्स मतलब तुम लोग मैसेज समझ सकते हो, ठीक है, सिग्नल टाइप. हाँ, सिग्नल टाइप, ठीक है. तो रिसीव कौन करता है, डेंड्राइट. फिर वो डेंड्राइट से सेल बॉडी जाता है, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, और फिर वो क्या करता है, दूसरे नर्व सेल को ट्रांसफर कर देता है. क्या कर देता है, दूसरे नर्व सेल को ट्रांसफर कर देता है, डिलीवर कर देता है. इस तरीके से क्या होती है, हमारी नर्व्स बन जाती है कि एक न्यूरॉन जुड़ा, फिर दूसरा न्यूरॉन जुड़ा, फिर तीसरा न्यूरॉन जुड़ा. इस तरीके से ये हमारी क्या बन जाती है भाई, नर्व्स बन जाती है. क्या बन जाती है, नर्व्स बन जाती है, ठीक है. आगे चलते हैं, अब हम टाइप ऑफ नर्व्स देख लेते हैं, ठीक है. हमारे पास जो नर्व्स होती हैं, हम उसको दो टाइप में, अलग अलग में बांट सकते हैं. जैसे अगर ये वाली मैसेज कैसे रिले कर रही है, उसके बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया है ना, कि वो कैसे मैसेज, कहाँ से कहाँ मैसेज पहुंचा रहे हैं जो हमारी नर्व्स, उसके बेसिस पे. तो तीन हो जाती है, सेंसरी, मोटर, देन रिले नर्व, ठीक है. रिले को हम मिक्स्ड नर्व भी बोलते हैं, मिक्स्ड नर्व भी बोलते हैं. तो जो सेंसरी नर्व होती है हमारी, इट कैरीज द इम्पल्सिस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन. मतलब क्या हुआ, जैसे हमें चोट लगी, हमें हाथ में चोट लगी, ठीक है, हैंड में हमें क्या लगी, चोट लगी. अब यहाँ से जो हमारी नर्व सिग्नल लेकर जाएगी कहाँ तक, ब्रेन तक, जो नर्व है ना, जो इम्पल्स लेकर जाएगी, उसको हम बोलेंगे सेंसरी नर्व. कौन सी नर्व बोलेंगे, सेंसरी नर्व, सेंसरी. अब ब्रेन से जो, हाँ, अब जो ब्रेन से सिग्नल लेके आएगी हैंड तक, कि भाई आपको हैंड हटाना है, कि आपको जैसे आप कोई गरम ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हो, है ना, किचन में गए, किचन में कोई गरम यूटेंसिल रखा था, हॉट था, आपने क्या किया, उसको टच कर लिया, है ना. अब आपके ब्रेन पर वो सिग्नल जाता है, फिर ब्रेन से फिर आपके पास क्या आता है, इम्पल्स वापस से आपके हैंड के पास आता है, कि आपको क्या करना है, हैंड को हटाना है ना. तो वो हैंड की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, इसके तरीके से हमारी जो हैंड है वो वहां से हट जाएगा. तो जो ब्रेन से सिग्नल लेकर आ रही है उनको क्या बोलते हैं हम, मोटर नर्व, मोटर नर्व. और ऐसी नर्व जो दोनों काम कर सके, मतलब सेंसरी की तरह भी काम कर सके और मोटर की तरह भी काम कर सके, उसको क्या बोलते हैं हम, रिले नर्व, रिले नर्व बोलते हैं. मतलब एग्जांपल, यहाँ से ले भी जाए, यहाँ से ले भी आए, होती है बेटा अपने पास, जो अपने पास कितनी क्रेनियल नर्व जो होती है, अपने पास 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती है. 12 पेयर दोनों काम कर सकती, वो क्रेनियल नर्व होती है. नहीं, क्रेनियल नर्व पूरी थोड़ी ना कर सकती है. तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती है, इनमें से कुछ सेंसरी होती है, कुछ मोटर होती है, और कुछ मिक्स्ड नर्व होती है, ठीक है. सब नर्व्स के अलग अलग नाम होते हैं, सबके कैसे होते हैं, अपने अलग अलग नाम होते हैं. तो उसमें से कुछ सेंसरी नर्व्स होती है, कुछ मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, कुछ मोटर नर्व होती है, मोटर नर्व होती है, ठीक है. तो जैसे ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है, कि डायग्राम में ये हमारा एक पूरा कनेक्शन दिया हुआ है, कि कौन किसके कैसे पहुंचा रहा है ना, कैसे सिग्नल पहुंचाता है, कैसे लाता है. तो ये हमारा टाइप्स ऑफ नर्व्स हो जाता है. तो याद रखना भाई, सेंसरी कौन होता है, जो बॉडी से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है. अच्छा, और मिक्स से क्या होता है, दोनों काम कर सकती है, सिग्नल दे भी सकती और वहां से फिर ला भी सकती. अच्छा, और मोटर, जो केवल ला सकती, ब्रेन से बॉडी तक पहुंचाए सिग्नल मैसेज, ठीक है भाई. अब रिफ्लेक्स एक्शन देख लेते हैं, जो अभी हमने तुमको बताया ना, कि अगर गर्म ऑब्जेक्ट छू लिया, टच कर लिया, तो क्या होगा, है ना, क्या क्या होगा, वो अब हम देखते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन देखते हैं. रिफ्लेक्स इज एन इनवॉलंटरी एंड सडन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. जैसे आप किचन में गए भाई, अभी जो एग्जांपल दिया था वो फिर से देते हैं. आपको नहीं पता था ये जो ऑब्जेक्ट है ये गर्म है, ठीक है, आपको नहीं पता था, आपने क्या कर लिया, टच कर लिया, फिर भी आप हाथ एकदम से हटा लेते हो ना, आपको उस टाइम तक तो नहीं जाता है ना सिग्नल. जैसे अपन को उठना होता है, चलना होता है, या पानी पीना होता है,
तो अपना एक हम खुद वॉलेंट्री सिग्नल देते हैं कि भाई आपको आप क्या करोगे जब अपनी जगह से उठोगे किचन तक जाओगे फिर पानी तब आप पानी ले पाओगे, लेकिन क्या उस टाइम पे ये आपके में सिग्नल चलता है कि अब आपको हाथ हटाना है, वो तो अल्टीमेट हट जाता है जल्दी से, विद इन मिली सेकेंड का काम होता है ना, क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को पता है कि अगर आप हाथ नहीं हटाओगे तो क्या होगा, आपको नुकसान पहुंचेगा, आप जल जाओगे, इंजरी हो जाएगी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कॉमन रिफ्लेक्सेस आर अ रिस्पॉन्स टू ऑल द वेल ट्रेन्ड एंड एक्युमुलेटेड नॉलेज ऑफ कॉशन दैट वी हैव इंटरनलाइज्ड, ठीक है, कि क्यों? क्योंकि हमको कैसे पता कि हम जल जाएंगे, कि हम पहले भी जल चुके हैं, है ना, हम ऐसा ही हॉट ऑब्जेक्ट होकर पहले भी जल चुके हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, बिल्कुल छोटे, जैसे हम बोले एक साल के जो बच्चे होते हैं, है ना, तो वो क्या कहीं भी चलने लगते हैं तो कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म ठंडा उनको नहीं पता होता, वो जाकर टच कर लेते हैं, चाहे कितना भी गर्म होने नहीं पता, जैसे किसी ऑब्जेक्ट में बहुत गर्म पानी रखा हुआ है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसमें जाके सीधा अपना हाथ डाल देगा। अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं पहले कि अपन को, और पता भी होता है कि अगर अच्छा ये वाला ऑब्जेक्ट है इसमें गर्म पानी हो सकता है, ठीक है, जैसे किचन में कुकर रखा होता है तो हमको, प्रेशर कुकर रखा होता है तो हमको पता होता है अच्छा ये ऐसे रखा है तो ये मे भी गर्म हो सकता है ना, तो अपन उसको केयरफुली टच करते हैं, ठीक। लेकिन बच्चे को नहीं पता, क्यों? क्योंकि उसमें अभी तक जाना ही नहीं है कि गर्म क्या होता है, लेकिन वो जब उस बार उसको पता चल जाता है, जैसे उसने टच कर लिया उसको पता चल गया, उसके ब्रेन को पता चल गया अच्छा ये ऐसा है इससे हमें इंजरी हो जाती है, तो तुम देखोगे कि बच्चा 1.5 साल का ही होता है, मतलब कुछ थोड़ा सा ही चलने के बाद थोड़ा सा ही एक्सपीरियंस हो जाता है उसे चीजों का, तो वो गर्म और ठंडी चीजों को नहीं छूता है, दूर रहता है, ऑलरेडी एक्टिव हो जाता है, है ना, क्योंकि उसने क्या, उसका ब्रेन ट्रेन हो गया, अब उसकी क्या है, ट्रेनिंग मिल गई उसको, उसको पता चल गया कि वो गर्म है, उसको पता चल गया कि इस चीज से हमको नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, नॉलेज होती है, पहले से ही जो हमने नॉलेज गेन की हुई होती है उसके बेसिस पर ये एक्शंस चलते हैं। इट कुड बी एनीथिंग एंड रेंजेस फ्रॉम द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ एब्रप्टली विथड्रॉइंग द हैंड एज इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एन एक्सट्रीमली कोल्ड और हॉट ऑब्जेक्ट, दिस एक्शन इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे ही हम क्या करें कि किसी गर्म या बहुत ठंडे ऑब्जेक्ट को छू लेते हैं, टच कर लेते हैं, तो क्या होते हैं, हाल हाथ हटाते, इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। कैसे, तो देखो ये डायग्राम जैसे दिया हुआ है, ये क्या हुआ, हम यहाँ पे हमारे जो रिसेप्टर्स थे स्किन पर वो एक्टिव हुए, उसने सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड पे सिग्नल भेजा, स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, ब्रेन तक भेजा, ठीक है। ये देखो रिले न्यूरॉन, ये देखो सिग्नल लेकर भी जा रहा है और सिग्नल लेकर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मोटर से भी जुड़ा है और सेंसरी से भी जुड़ा है, तो ध्यान से देखो इसको, यहाँ से तो सिग्नल लेकर जाएगा ब्रेन तक, और ब्रेन से जब सिग्नल लेकर आएगा तो किसको दे देगा, सेंसरी को क्यों दे देगा, मोटर को देगा, मोटर ना, मोटर को देगा, मोटर क्या गया, अपनी मसल तक गया, जो हैंड की मसल है वहां तक गया, मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी वैसे ही हमारा हाथ क्या हो जाएगा, वहां उस पोजीशन से हट जाएगा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, समझ आया, यस मैम। ये बेसिक के बाद अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, ब्रेन पढ़ेंगे, है ना, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, फंक्शन, सारा कुछ पढ़, ठीक है बच्चों, हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बाय बेटा।